हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे अरारोट के पापड़। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कितना ढेर सारा अरारोट के पापड़ हमने बनाया मात्र एक कटोरी अरारोट से। तो यहाँ पर बनाने के लिए मैंने एक छोटी कटोरी अरारोट लिया है। आप कोई कप या कोई ग्लास से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दाब दाब के नहीं लेना है अरारोट, बस ऐसे ही चम्मच से निकाल के हमें अरारोट को लेना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम अरारोट को बाउल में डालेंगे। तो बाउल में डालकर इसका हम घोल तैयार करेंगे। तो हम जिस कटोरी से अरारोट ले रहे हैं ना, उसी कटोरी से पानी का मेजरमेंट करेंगे। पानी का मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी कटोरी से हम पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम एक कटोरी पानी डाले हैं, ये रहा दो कटोरी। अब इसको मिक्स कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अरारोट नीचे बहुत ही जल्दी बैठ जाता है और इसको अगर मिक्स कर देते हैं तो बिल्कुल दूध के जैसा दिखता है। तो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल दूध के जैसा दिख रहा है, सफ़ेद। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है जब हम इसे पकाते हैं। तो इसमें हम पानी ज़्यादा डालेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें एक छलनी रख लेंगे और हम इसे छान लेते हैं इस घोल को, ताकि इसमें जो भी कुछ हों टुकड़े वगैरह वो सारे निकल जाएँ। तो हमने छलनी में डाल दिया है। अब हम इस बाउल में उसी कटोरी से एक कटोरी पानी और डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम तीन कटोरी पानी डाल दिए हैं। अभी हमें इसमें पानी और डालना है। तो तीन कटोरी पानी डाल के हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं ये घोल अभी कितना पतला दिख रहा है, लेकिन इसमें अभी पानी बहुत ज़्यादा डालेंगे। तो तीन कटोरी हम पानी डाल चुके हैं। तो चलिए इसमें पानी हम और डाल देते हैं। तो ये रहा चार कटोरी और ये रहा पाँच, ये रहा छः कटोरी और ये रहा सात, ये रहा आठ। तो यहाँ पे हमने टोटल आठ कटोरी पानी डाल चुके हैं। अब चलिए इसे चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, लेकिन इसमें पानी अभी और जाएगा। थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद पानी हम इसमें और डालेंगे ज़रूरत के अनुसार। तो गैस पे हमने चढ़ा दिया है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे बनाए हुए पापड़ की रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये इतना जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है कि हमें कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसमें मैं पानी और डाल देती हूँ। तो आठ कटोरी पानी डाल दिए थे, ये हो गए नौ कटोरी। ये अरारोट में बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है। तो हमने 9 कटोरी पानी डाला, यहाँ पे हो गए 10 कटोरी। अब बस इसमें अब पानी बिल्कुल नहीं डालना। आप चाहें तो एक बार में भी 10 कटोरी पानी डाल के पकाएंगे तो आपको कोई घबराने की बात नहीं, पापड़ बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आप देख ही रहे हैं हम यहाँ पे 10 कटोरी पानी डाल चुके हैं। तो इस तरीके से गाढ़ा हो गया है, अब हल्का हल्का सा पकना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे बबल्स आने शुरू हो गए हैं। हमने गैस की फ्लेम को स्लो किया है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से बबल्स नहीं आ रहे हैं, हल्का हल्का सा आ रहा है। गैस की फ्लेम स्लो ही रख के पकाएंगे ताकि नीचे चिपके ना। तो इसको पकाने में 20 से 22 मिनट लग जाते हैं और जब बबल्स आने लगे तो इसको हमें 6-7 मिनट तो ज़रूर पकाने हैं। तो अच्छे से बबल्स आ गए हैं, इनको हम पका लेते हैं अच्छे से।
कुछ इस तरीके से हमने पका लिया है। लगभग ये अच्छे से पक गया है, तो अब इसमें नमक डाल देती हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी कलौंजी यानी करायल, आप चाहें तो जीरा मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ नमक और कलौंजी डाल रही हूँ। गैस को हमने बंद कर दिया है और इतना गाढ़ा अरारोट हो गया है 10 कटोरी पानी डालने के बाद भी। थोड़ा सा ठंडा करके चलिए बनाते हैं इसको हम पापड़। तो यहाँ छत पे मैंने प्लास्टिक की सीट बिछा रखी है और आधी करछी के लगभग मैंने डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, बस थोड़ा सा ही इसे हम करछी से फैला देंगे, नहीं तो बहुत पतले पतले पापड़ हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही इसे हम करछी से फैलाएंगे और आधे आधे करछी डालेंगे। एक छोटी कटोरी अरारोट से ढेर सारे पापड़ बनके तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो सारे पापड़ हम इसी तरह बना लेते हैं। तो इतने सारे हमने बना लिया है, सारे पापड़ हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पापड़ को बना के तैयार कर लिया है। आप देख रहे हैं एक छोटी कटोरी अरारोट पे ढेर सारे पापड़ बन गए। तो पापड़ को हमने अच्छे से सुखा लिया है धूप में। ये देखिए पापड़ हमारे बिल्कुल भी टूटे फटे नहीं हैं और ट्रांसपेरेंट पापड़ बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पे हमने ऑयल अच्छे से गरम कर लिया है, एक पापड़ डाल देते हैं, ये देखिए। और ये पापड़ कितना बड़ा हो जाता है फ्राई करने के बाद, इसका साइज बढ़ जाता है और ये पापड़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं। तो चलिए सारे हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पापड़ को फ्राई करके तैयार कर लिया है। ये देखिए कितने सफ़ेद सफ़ेद पापड़ बने हैं और कितने हल्के हल्के दिख रहे हैं और बिल्कुल रुई जैसे सफ़ेद हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ ये पापड़ कितने मुलायम हैं, तोड़ने में तो खाने में ही कितने मुलायम होंगे। ये देखिए बिल्कुल ही मुलायम है, कितने आसानी से टूट जाते हैं। तो आई होप आपको पापड़ की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले पापड़ की रेसिपी में।